एवं पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का रोशन मल के वालों हार्दिक स्वागत है। सो अज राहुल रोड के गुरु विहार के इंडस्ट्री एरिया दे विच जिथे कि बिजली की तार की लपेट के आने वाले एक नौजवान जिहड़ा कि गंभीर हालत में जख्मी दसा गया और जिसनों अपोलो होस्पिटल के ले जाया गया इलाज के दरीन। और इतने जो कि नौजवान तुम मेरी बैक साइड के खड़े देख रहे हो, उन्होंने कहना यह है कि जिहड़ा इतने कि पुलिस प्रशासन वह भी बहुत लेट पहुंचा और बिजली महकमे के कोई भी नहीं पहुंचा। और तुम देख रहे हो, मैं कैमरा मैन कहूँगा कि दिखाया जाए कि जी करंट वाली तार की लपेट के जो नौजवान आया कि जिसनों इलाज वास्ते अपोलो होस्पिटल के ले जाया गया। और इन्हों का कहना यह भी है कि इतने ना कोई एम्बूलेंस पहुंची है और जी कि एक अपने वाहन के लिया के उस नौजवान ले जाया गया और सड़क के उत्ते धरती के उत्ते जरा कि ब्लड भी उस नौजवान का तुम देख रहे हो कि जो डुलिया होया वा। और इलाका निवासी जोड़े कि ने इंडस्ट्री एरिए के सारे मुंडे ने सारे नौजवान खड़े ने। सो आप उन्होंने भी गल करांगे। 15 मिनट का टाइम दिता गया वा कि सारे अफसर आ रहे हैं, बिजली महकमे तो भी आ रहे हैं, थाने तो भी आ रहे हैं, तो थाने तो भी बल्कि आए हैं, तो हूँ बिजली महकमे तो ऐसा कोई नहीं आया। अगर 15 मिनट के 10 मिनट नहीं आया तो दोबारा जाम लावे, धरना लावे, किसी का भी हो सकती घटना किसी ने भी बरत सकती है। साड़ी सारी बैटरी लाइन की यूनियन आ, सारी कारीगर बंदे लेबर बंदे है, जब तक साडा हल नहीं होता असं इतना नहीं लड़ना नहीं। इस इलाके कौंसलर सरबजीत सिंह लाडी भी नहीं पहुंचे और 108 ते कॉल भी की है पर एम्बूलेंस भी नहीं पहुंची। पर जेड़ा कि तुसी देख रहे हो कि मेरी सैड से भारी इकट्ठ जेड़ा कि नौजवानों का। सो उन्हों का कहना यह है कि जिनी देर उस नौजवान का सानू पता नहीं लग रहा और असी उन्नी देर जो कि प्रोटेस्ट है वो नहीं चक्या जाएगा। और क्योंकि सारे जो कि नौजवान और पुलिस प्रशासन बस्ती जोधेवाल तो वह भी इतने मौजूदा पहुंच चुके हैं इस मौके से। और जेड़ा कि वाकया तुम देख रहे हो कि इन्होंने वालों जेड़ा कि रोड जाम किया जा रहा है। सो वो बारे आप जो इतने नौजवान मुंडे ने सारे प्रोडक्ट जो कि फैक्ट्रिया के काम कार करने वाले जो कि इस रोड के उत्तों हजारों की गिनती डेली लंघते हैं तो डेली इतों जो कि गुजरते हैं। सो उन्होंने वालों ये जो कि प्रदर्शन किया गया। बिजली महकमा सवेरे 8 बजे का करंट लगा हुआ हजे तक कोई नहीं पहुंचा, टाइम देख लो तुम कि हो गया एम्बुलेंस वगैरह लाके गए ने। पुलिस प्रशासन तो बुलाए तो पहुंची है, ओद हजे कोई नहीं पहुंचे अपने को। बिजली महकमे तो जेई साहब कोई नहीं पहुंचे। रोड अभी सवेरे 8:30 बजे साहब का मेरे डिपार्ट का बंदा है आपके रूम का जी, आपकी फैक्ट्री के आपके लेवल साथ के क्या काम करता है? लेवल लगाता है, लेवल लगाता है, लेवल लगाता है। कितना सैलरी होगा उसका? वो किस रेट पे है? ओके। और आपके साथ ही आ रहा था या आपसे पहले? आपके साथ ही आ रहे थे। आपके साथ ही आ रहा था? और ये तार की पेट में कैसे आया? इसके सेट में इस यहाँ पे उसके लगा करंट लगा जी, जब उसके गले में करंट लगा तुरंत गिर गया। ओके। गिरने में तुरंत बेहोश हो गया। ये तार आपके सामने टूटी है? नहीं, टूटा था वो, उसने जान नहीं पहले से पहले से टूटा था। वो साइकिल पर था या पैदल? पैदल था, पैदल था। वो जान नहीं पाया कि तार में करंट आ रहा है, वो अचानक से उसके लग गया। तो पहले का टूटा पड़ा था? तार पहले का टूटा पड़ा था, उसके अचानक बिजली महकमे की अणगहली के कारण जेड़ा हादसा होया। क्योंकि दसा जा रहा कि जी तार आ तार पहला दी ही टुटी हुई सी और जो नौजवान इतों लंघ रहा सी उसकी गर्दन के उत्ते जी तार की लपेट आई है। और पुलिस प्रशासन भी इतने मौके पर जो कि पहुंचा वा। सो आप उन्होंने भी गलबात करांगे। अमृतपाल शर्मा जी, सो आप उन्होंने भी गल करांगे। सत श्री अकाल सर। यह जो वाकया होया ये बारे तुम कितने बजे इतलाह मिली? ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਾਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ।
इस तो बैटर की पहला तार हेट करा के कर दें, बाकी इसी बात कर दें, इसी बड़ा करा दिए ठीक ठीक है। सो इन्हों का कहना कि जी लेबर है लेबर इतों तोड़िया जाए, उस तो बाद जो कि थाना बस्ती जोधेवाल साढ़े एस एच ओ साहब वो भी इतने इस टाइम इस मौके से मौजूद ने, क्योंकि जी इतने की आवाम आ जी इतने की लेबर आ इंडस्ट्री एरिए उन्हों का कहना यह है कि उस नौजवान जोड़ा कि अपोलो होस्पिटल के कि जिनी देर तक उसका सानू पता नहीं लग रहा कि वह खतरे तो बाहर है या खतरे में है कि उन्होंने वालों प्रदर्श जोड़ा कि नहीं हटाया जाएगा। सो लुधियाना तो कैमरामैन लवली दिन रोशन मल की रिपोर्ट। कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी, मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दस्या, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया, ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, यदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो मेरे बाल जोड़े गंजपन पैना शुरू हो गया से दोबारा आने लग गए, तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने। जो थानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का सामना कर रहे हो तो यह तेल लाना ना भुलो।